हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सिकॉन। दोस्तों आज मैं आपको ओजो क्रिप्टो के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ओजो क्रिप्टो क्या है, अगर ये आप नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों ओजो क्रिप्टो के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों ओजो क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन और अदर भी जो डिजिटल करेंसी है उसी प्रकार का ही एक डिजिटल करेंसी है। लेकिन दोस्तों इन्होंने ये ओजो क्रिप्टो में एक अच्छा प्लान ये लाया है दोस्तों, कि अगर आप इस ओजो क्रिप्टो को खरीदते हैं इनके सिस्टम के जरिए तो इसमें आपको 4% डेली मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1,000 रुपए है और मैक्सिमम का बताया नहीं गया है। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप इस वेबसाइट पर विजिट करके इसके बारे में हर एक चीज जानें तभी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं तभी कि दोस्तों ये जो कंपनी है लगभग 1.5 साल से चल रही है और 1.5 साल से इसने लोगों को पेमेंट दिया है और इसमें एक भी प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अब तक। और 1.5 साल से जितने भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको उनका रिटर्न दिया जा रहा है और वो रिटर्न अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। दोस्तों मेरा एक दोस्त है, उसने लगभग 1 महीना पहले इसमें अपना अकाउंट क्रिएट किया है और उसने काफी पैसा जो है अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिया है। उसका भी मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा और मैं अपना भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने लगभग इसमें 4 दिन मुझे हो गए हैं अकाउंट क्रिएट किए और मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो आप उसे री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। री इन्वेस्ट के भी बारे में आपको बताऊंगा और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं आपको हर एक चीज़ शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर आप इसके दोस्तों रोड मैप बारे में देखना चाहते हैं, रोड मैप दोस्तों ये है कि कंपनी कब कब क्या लॉन्च की और कब से ये मार्केट में आई है, इसका पूरा डिटेल रोड मैप में आपको मिल जाता है। अगर आप रोड मैप में देखें तो ये कंपनी अगस्त 2017 में इन्होंने अपने ओजो क्रिप्टो का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद इन्होंने अपने सिस्टम में अलग अलग फंक्शन ऐड करते गए। कब इन्होंने कौन सा फंक्शन ऐड किया उसका डिटेल आपको यहाँ पूरा दिख रहा है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके साइट पर आकर पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में हर एक जानकारी आप ले लें उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये कंपनी 1.5 साल से चल रही है और 1.5 साल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हो या फिर ना हो, लेकिन अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैं आपको पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करके अगर यहाँ पे कॉइन बाय नहीं करना चाहते हैं तो अगर किसी को आप सिंपल शेयर करते हैं तो यहाँ पे लेवल इनकम और डायरेक्ट इनकम भी काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं रजिस्टर के बारे में बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसके साइट पर आ जाएंगे। दोस्तों जब आप यहाँ साइट पर आएंगे तो आपके अगर आप किसी के स्पॉन्सर से जुड़े होंगे तो उसका स्पॉन्सर का जो है ईमेल यहाँ पे शो करेगा, उसके बाद उसका नाम शो करेगा और यहाँ आपको अपना ईमेल डालना है और ईमेल डालने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ आपको एक पासवर्ड डालना है। जब आप ये सब करके यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं इसमें ऑलरेडी जो है अकाउंट क्रिएट किया हूँ तो मैं आपको लॉगिन होकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके प्लान के बारे में समझा देता हूँ। दोस्तों इसके प्लान को समझाने के लिए एक मैसेज का इस्तेमाल करूंगा, जो मैसेज मेरे पास है। मैसेज के साथ मेरे पास एक और इमेज है, उस इमेज में री इन्वेस्ट का फंक्शन बताएगा कि अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उस मैसेज को आपको दिखा दूं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं ओजो क्रिप्टो के मैसेज पे जो मुझे आया है। फिलहाल मेरे पास मैसेज उपलब्ध है तो मैसेज में आपको समझाऊंगा, लेकिन री इन्वेस्ट का जो फंक्शन है वो मुझे मेरे पास उसका इमेज है, उस इमेज में आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, अगर आप वहाँ पे जाकर पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से और समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग पैकेज जो है आप यहाँ पे 1,000 रुपये देकर यहाँ पे जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 40 रुपये पर डे मिलता है। 40 रुपये यानी कि आपको 4% पर डे मिलता है। जब आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80 रुपये पर डे मिलता है। अगर आप यहाँ पे 3,000 रुपये करते हैं तो आपको 120 रुपये पर डे मिलता है। और अगर आप यहाँ पे 4,000 रुपये करते हैं तो आपको 160 रुपये पर डे। अगर आप 5,000 करते हैं तो आपको पर डे 200 रुपया, और आप जितना करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताया गया है। अब दोस्तों हम लोग लेवल इनकम की तरफ बढ़ते हैं। लेवल इनकम में देखें दोस्तों यहाँ पे आपको 5 लेवल तक इनकम मिलता है। फर्स्ट में अगर आप किसी को डायरेक्ट करते हैं फर्स्ट लेवल में तो आपको 5% उसका मिलता है। जब भी दोस्तों ओजो कॉइन बाय करता है या फिर ओजो कॉइन सेल करता है तो उसका आपको 5% मिलता है। ये काफी अच्छा चीज है इस प्लान में। उसके बाद सेकेंड में आपको 4%, थर्ड में 3%, फोर्थ में आपको 2% और
फीक में आपको 1% मिलता है। तो दोस्तों इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको इतना परसेंट ही मिलता है। तो दोस्तों ये तो है लेबल इनकम की बात, और लेबल इनकम से बढ़ के आपको यहाँ एक मैसेज देखने को मिलता है। अगर आप इस मैसेज को पढ़े तो इस मैसेज में लिखा है, अगर आप किसी को इस प्लान में अपने थ्रू लाते हैं, जब वो 10,000 इन्वेस्ट करता है तो उसका 0.25% आपको मिलता है, जो अच्छा है दोस्तों। यानी मतलब आप 10,000 इन्वेस्ट कराते हैं या फिर उससे अधिक कराते हैं तो उसका आपको जो है यहाँ परसेंट है ये बढ़ते चल जाता है। तो ये भी एक अच्छा है दोस्तों कि जितना अधिक इन्वेस्ट करता है उतना अधिक आपको बेनिफिट होता है लेबल इनकम से भी, और आप किसी को इस प्लान में डायरेक्ट करते हैं अपने थ्रू उसके हिसाब से भी एक अच्छा प्लान है। अब दोस्तों मैं आपको और जो क्रिप्टो का जो वेबसाइट है उसमें लॉग इन कर दिखाता हूँ, और मैं आपको अपना पेमेंट प्रूफ दिखाऊंगा, और मेरा एक दोस्त है उसका भी पेमेंट प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों कि अब हम लोग अपने अकाउंट में लॉग इन है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे लगभग यहाँ पे 4 दिन हुए हैं और मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, और 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद जो मुझे यहाँ पे कॉइन मिला, अगर 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पे हम लोग जोड़े इस कॉइन को तो लगभग 100 कॉइन हुए, और 100 कॉइन को मैंने यहाँ पे री इन्वेस्ट किया तो 122 कॉइन मुझे अब तक यहाँ पे रिसीव हो गए हैं। और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको अच्छे से दिखेगा, लेकिन तभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपका बैलेंस शो करेगा, और यहाँ पे अगर आप कॉइन खरीदना चाहते हैं वो जो कॉइन ये आपको खरीदना होगा, अगर आप इसे नहीं खरीदेंगे तो आपको जो यहाँ पे 4% रिटर्न मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया जाएगा कि ओजो कॉइन जो है टोटल अब तक कितना सेल हो चुका है और आज कितना सेल हुआ है, और उसके बाद ग्रोथ पर कॉइन इनका ग्रोथ लेवल कितना है, तो आप देख सकते हैं 0.36 ग्रोथ लेवल है। और दोस्तों इनका एक टोकन भी है, टोकन के बारे में बता दूं, अगर आप यहाँ पे टोकन खरीदना चाहते हैं तो आपको 8,558 रुपये इनको देना होगा, और यहाँ आपको टोकन शो करेगा अगर आप इनका टोकन लेते हैं, और सेलिंग रेट इनका इतना है और बाइंग रेट इतना है। दोस्तों मैं आपको इनकी टोकन के प्राइस के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों लगभग मैंने 20 दिन पहले इनकी टोकन का प्राइस देखा था, तो उस समय इनके टोकन के प्राइस 5,000 रुपये के आसपास था, और 20 दिन के ही अंदर इनके टोकन का प्राइस 8,558 रुपये चला गया। तो सोच सकते हैं दोस्तों, अगर आप टोकन भी लेना चाहते हैं तो अच्छा है दोस्तों, लेकिन टोकन के बारे में मैं आपको और आने वाले टाइम में अच्छे से बताऊंगा, तो आप टोकन को लेकर टेंशन ना लीजिए, टोकन के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और अगर आप यहाँ पे कॉइन लेना चाहते हैं तो उसका एक कॉइन का प्राइस 10 रुपया है, और आप जितना लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मिनिमम 1,000 रुपये का कॉइन लेते हैं तब आपको 4% डेली मिलता है। और यहाँ पे कॉइन लेने का प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओजो कॉइन लेना चाहते हैं तो ये जो ओजो कॉइन है आप डायरेक्ट बैंक से नहीं ले सकते, ओजो कॉइन लेने के लिए आपके पास बिटकॉइन होना चाहिए। अगर आप बिटकॉइन के बारे में जानते हैं तो आप सिंपल ओजेएक्स पे जाइए, और वहां से अपने INR से क्या कीजिए कि बिटकॉइन बाय कीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे डिपॉजिट कर दीजिए। अगर आप नहीं जानते तो मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जितना भी ओजो कॉइन चाहिए मैं आपको ओजो कॉइन दे दूंगा, ठीक है। और ये आपका वॉलेट एड्रेस है, जब आपको ओजो कॉइन चाहिए होगा या फिर आपको ओजो कॉइन किसी से लेना है तो सिंपल आपको ये आपका वॉलेट एड्रेस है उसे देना होगा। जब आप इसे वो देंगे तो जब वो ट्रांसफर करेगा तो आपके वॉलेट पे ऑटोमेटिक पैसा यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका रेफरल लिंक है, अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉपी करके उसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही कि अगर आपको ओजो क्रिप्टो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा और मैं आपको ओजो क्रिप्टो दे दूंगा, लेकिन अगर आप खुद से खरीदना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल आप एड INR पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो है अमाउंट सेलेक्ट कीजिएगा जितना आपको चाहिए। मिनिमम आप यहाँ पे 500 का जो है ओजो क्रिप्टो ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप जितना अपना ले सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं 1,000 रुपये का अगर ओजो क्रिप्टो लेना चाहता हूँ तो यहाँ आपको वॉलेट सिलेक्ट करना होगा कि आप INR के जरिए लेना चाहते हैं या फिर सुपर वॉलेट के जरिए लेना चाहते हैं। तो सुपर वॉलेट क्या है आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, अभी के लिए अगर आपको INR से लेना है सिंपल INR पे यहाँ पे चेक मार्क कीजिएगा, और करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा। जब आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे साइड में जो है एक डिटेल शो कर दिया जाएगा, और वहाँ पे एक टाइमर चलेगा 6 घंटे का, और कन्फर्मेशन स्टेटस आपको शो करेगा। और यहाँ पे आपका क्या करेगा, यहाँ पे सामने में आपको वॉलेट एड्रेस दिखेगा इनके बिटकॉइन का, उस बिटकॉइन पे क्या करना है कि आपको अमाउंट सेंड करना है, आपने यहाँ पे जितना किया है उतना अमाउंट आपको सेंड करना है। जब आप सेंड करेंगे
तो क्या होगा कि यहाँ पे कंफर्मेशन एक स्टेटस है, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो पेमेंट है यहाँ पे कंफर्म हो गया है और आपके वॉलेट में भी स्टोर कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब आपके यहाँ बिटकॉइन ऐड हो जाता है, तो अगर आप बिटकॉइन के जरिए यहाँ पे लेना चाहते हैं ओजो कॉइन, सिंपल आप यहाँ पे बाय ओजो पे क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद क्या करना है कि आपको यहाँ अमाउंट सेलेक्ट करना है, आपको जितना चाहिए। और जब ये अमाउंट सेलेक्ट करेंगे तो ये ओजो का जो क्वांटिटी है आपको बता देगा कि कितना अमाउंट में आपको कितना ओजो क्रिप्टो मिलेगा। जब आप यहाँ पे सब चीज़ कर देंगे तो आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ 2 सेकंड के अंदर वो जो कॉइन है आपको यहाँ आपके वॉलेट में नजर आएगा। और ये है टोकन, टोकन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये पॉइंट्स क्या है आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये है एक्सचेंज, एक्सचेंज में करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि अपने ओजो कॉइन से ही टोकन बाय कर सकते हैं, या फिर टोकन से आप ओजो कॉइन बाय कर सकते हैं। तो ये एक्सचेंज है, एक अच्छा यहाँ पे सिस्टम इन्होंने दिया है कि अगर आपको चाहिए इनका टोकन तो डायरेक्ट ओजो के जरिए आप टोकन ले सकते हैं, या फिर टोकन के जरिए ओजो कॉइन ले सकते हैं। और ये है सेंड, अगर आपको किसी को सेंड करना है अपना ओजो कॉइन तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उनका ये एक एड्रेस डालने का वहाँ पे फंक्शन होगा, आप डालिएगा। उसके बाद वहाँ पे आप ओजो कॉइन सेलेक्ट कीजिएगा कि कितना ओजो कॉइन आपको सेंड करना है, आप क्लिक कीजिएगा, सेंड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि ये खुलेगा, उसके बाद मैं बैक करूँगा तो टाइम लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके विड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम आप विड्रॉ 500 रुपये का यहाँ पे ले सकते हैं, और मैक्सिमम का अगर आपके अकाउंट में जितना है उतना लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ फंक्शन बताया गया है कि स्पॉन्सरिंग, ये दोस्तों एक तरह का चार्ट है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाए कि आपको रेफरल और स्पॉन्सर इनकम क्या है, और उसके बाद ग्रोथ बोनस क्या है, और विड्रॉल के बारे में बताया जाए कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, और ऑर्डर्स के बारे में बताया गया जब आप कोई ऑर्डर्स लगाते हैं जो है कॉइन बाय का या फिर जो है बिटकॉइन ऐड करने का, तो उनका स्टेटस आपको यहाँ पे शो करेगा, और इन्वेस्टमेंट आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, और कुछ नहीं है। और ये है वॉलेट कि आपके किस किस वॉलेट में कितना कितना अमाउंट है, ये आपको शो करेगा यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे। और सेटिंग्स में दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो सिंपल आप यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और अफिलिएट और कॉन्सेप्ट दोस्तों ये एक तरह का चार्ट है, यहाँ पे आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको प्रोफाइल में क्लिक करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप कैसे। पासवर्ड दोस्तों चेंज करने के लिए सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज अपना नाम चेंज कर सकते हैं, और नाम चेंज करने के बाद अपना जो पासवर्ड है चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है ओजो क्रिप्टो के अकाउंट का फंक्शन, और भी कुछ फंक्शन है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको अपने दोस्त का पेमेंट प्रूफ भी दिखा देता हूँ, और री इन्वेस्ट करके कैसे आप जो है ओजो कॉइन को और अधिक तेजी से बढ़ा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी खोजने के बाद वो जो इमेज है मुझे मिल गया, और इस इमेज में दोस्तों मैं आपको साइज थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस इमेज में दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसने जो पेमेंट यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया होगा लगभग वो 10,000 के आसपास होगा, क्योंकि उसका डेली का रिटर्न आप देख सकते हैं कि 512 रुपये है उसको डेली रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद उसने क्या किया है कि अपने इन्वेस्टमेंट को उसने री इन्वेस्ट कर दिया होगा, और री इन्वेस्ट करते करते उसने जो है अपने अमाउंट को देख सकते हैं कि कितना अधिक उसने बढ़ा लिया। अब उसका जो है एक दिन का उसका जो रिटर्न उसको मिलता है लगभग 840 रुपये के आसपास उसको मिलता है, और ये आपको 5 मार्च का मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं ओजो क्रिप्टो के बारे में 4 दिन पहले वीडियो बना देता लेकिन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ से पेमेंट मुझे आता है या नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पे आता है, और इसका मैंने प्रूफ भी दिखा दिया, और देख सकते हैं ये रिलीज है दोस्तों। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा जितना आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ना कि आप अधिक इन्वेस्ट कर दें और इन्वेस्ट करने के बाद पता लगे कि कंपनी में कुछ हो गया तो आपका बस पैसा ही डूब जाएगा, तो ऐसा आप ना कीजिए। जितना आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही आप इन्वेस्ट कीजिए, और मैं आप री इन्वेस्ट का एक जो है इमेज है वो भी दिखा देता हूँ कैसे आप री इन्वेस्ट करके अपने अमाउंट को और अधिक तेजी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये है ओजो क्रिप्टो का वो इमेज जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट में देखें तो आपको यहाँ डेट दिया गया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया गया है, और ये ग्रोथ इनकम दिया गया है जो आपको डेली रिटर्न मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ डेट, और ये यहाँ से दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहले दिन अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 40 रुपये रिटर्न मिलता है, और यहाँ पे आपको 1,040 रुपये हुआ। 1,040 रुपये में आपने क्या किया,
आपने 1,000 रुपये तो पहले ही इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपको यहाँ पे टोटल 1,40 रुपये बचा। 40 रुपये के आपने और ओजो कॉइन ले लिया, तो आपका टोटल ओजो कॉइन 104 हो गया। और 104 ओजो कॉइन का रिटर्न आपको अगले दिन से जो मिल रहा है वह लगभग 41 रुपये आपको मिल रहा है। तो 41 रुपये जो मिल रहा है, तो आपका टोटल फिर हो गया कितना, 1,081 रुपया। और फिर आपने 81 रुपये का ओजो कॉइन को री इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको जो यहाँ पे उसके बाद अगले दिन से जो मिलेगा वो 43 रुपये का। उसी प्रकार करके आपको यहाँ पे पूरा चार्ट दिखाया गया है। इस चार्ट में हम लोग हर एक दिन की बात करें तो यहाँ पे काफी टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे 20वें दिन पर लेकर चलता हूँ। अगर आप 20 दिन पे देखें तो आपने जितना इन्वेस्ट किया आपको उतना मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 20 दिन में आपने जितना इन्वेस्ट किया आपको रिटर्न मिल गया। तो दोस्तों इस इमेज को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस ड्रॉप बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। और इस इमेज के साथ मैंने उस अपने दोस्त का पेमेंट प्रूफ का इमेज दे दिया है, उसे आप डाउनलोड कर, दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप उसे देख लीजिए। दोस्तों ये है ओजो क्रिप्टो के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारियाँ मैंने आपको दी है और आप जिस जानकारी के इस वीडियो को देखे होंगे वो आपको मिल गई होगी। आने वाले टाइम में जो मेरा वीडियो होगा वो वीडियो होगा कैसे आप ओजीनेक्स के जरिए यहाँ पे बिटकॉइन ले सकते हैं, और उस बिटकॉइन के जरिए कैसे आप ओजो कॉइन बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, स्ट्रेटिंग का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।